देश में ये क्या हो रहा है, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है मानवता, कहाँ है विकास। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगातार देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं जो इंसानियत पर ही सवाल खड़े करती है। हम अपने इंसान होने पर कितना ही नाज क्यों ना कर ले, लेकिन तस्वीरें देख आप भी सवाल जरूर करेंगे खुद से। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के दमोह की है, जहां एक शख्स अपनी पत्नी को इलाज के लिए बस से अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद बस वालों ने इस शख्स को, उसकी बूढ़ी माँ और 5 दिन की बच्ची को महिला के शव के साथ जंगल में उतार दिया। ये परिवार 5 दिन की बच्ची और शव को लेकर 8 घंटे तक मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं दूसरी तस्वीर भी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। पनागार तहसील में ऊंची जाति के दबंगों पर आरोप लगा है कि उन्होंने शव यात्रा निकालने के लिए रास्ता नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरी में मृतक के परिजनों को तालाब के रास्ते शव यात्रा निकालनी पड़ी। और तीसरी तस्वीर ओडिशा के कालाहांडी की है। एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी के शव को 12 किलोमीटर पैदल चलकर ले जाना पड़ा, क्योंकि इस आदिवासी व्यक्ति के पास शव वाहन के लिए पैसे नहीं थे और अस्पताल प्रशासन ने उसे एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया था। वाकई ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं और यह मजबूरी और मदहाली के कंधों पर सरकार के विकास का जनाजा है। देखते रहिए डीबी लाइव।